स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th चैप्टर 4 क्लाइमेट ज्योग्राफी। स्टूडेंट्स, इससे पहले ऑलरेडी मैं इस चैप्टर की वीडियो डिस्कस कर चुकी हूं, तो जिन स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले देख ले, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया जाता है, तो जो पार्ट्स है वेस्टर्न कोस्ट के, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के, वो क्या रिसीव करते हैं, 400 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल रिसीव होती है एनुअली। हाउएवर इट इज लेस देन 60 सेंटीमीटर इन वेस्टर्न राजस्थान एंड अजॉइंग पार्ट्स ऑफ गुजरात। और वेस्टर्न राजस्थान में और उसके आसपास के जो एरियाज है, गुजरात, हरियाणा और पंजाब में, वहाँ लेस देन 60 सेंटीमीटर रेनफॉल रिकॉर्ड की जाती है। तो रेनफॉल इज इक्वली लो इन द इंटीरियर ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। अगर हम रेनफॉल की बात करें तो इक्वली लो नजर आती है हमें इंटीरियर पार्ट में डेक्कन प्लेट्यू के एंड ईस्ट ऑफ द सह्याद्री। Why do these रीजन receive low rainfall? अब अपने पास क्वेश्चन ये अराइज होता है स्टूडेंट्स कि यहाँ के एरियाज में लो रेनफॉल क्यों रिसीव होती है। तो our थर्ड एरिया ऑफ लो precipitation इज अराउंड ले इन जम्मू एंड कश्मीर। एक थर्ड एरिया है जहाँ पर लो precipitation एरिया देखा गया है, जो कि ले लद्दाख है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में सिचुएटेड है। तो जो रेस्ट है हमारी कंट्री का पार्ट है, वो क्या रिसीव करता है, मॉडरेट रेनफॉल होती है। स्नोफॉल इज रेस्ट्रिक्टेड टू द हिमालय रीजन। और स्नोफॉल जो देखने को मिलती है वो हिमालय रीजन में देखने को मिलती है। ओनिंग टू द नेचर ऑफ मानसून द एनुअल रेनफॉल इज हाईली वेरिएबल फ्रॉम ईयर टू ईयर। और अगर हम नेचर ऑफ मानसून की बात करें तो एनुअल जो रेनफॉल है वो वेरिएबल करती है, हर साल चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू वेदर कंडीशन। तो जो वेरिएबिलिटी है, किसी रीजन में हमें हाई देखने को मिलती है, किसी में हमें लो देखने को मिलती है। सच पार्ट्स ऑफ राजस्थान, गुजरात एंड लीवर्ड साइड्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। तो एज सच वाइल एरियाज ऑफ हाई रेनफॉल आर लाइबल टू बी अफेक्टेड बाई फ्लड्स। और जो एरियाज है हाई रेनफॉल के, वो ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं किससे, फ्लड्स से। और एरियाज जो है वो लो रेनफॉल के, वो वहाँ पर ड्राउट प्रोन एरियाज देखा गया है, मतलब सूखापन देखा गया है। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं स्टूडेंट्स, मानसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड। मानसून एक तरीके से यूनिफाइंग बॉन्ड क्यों कहा गया है। यू हैव ऑलरेडी नो द वे ऑफ हिमालय प्रोटेक्टेड द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम एक्सट्रीमली कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया। हम जानते हैं हिमालय हमें क्या करता है, हमारी पूरी कंट्री को प्रोटेक्ट करके रखता है फ्रॉम कोल्ड विंड्स कमिंग फ्रॉम सेंट्रल एशिया। तो दिस इनेबल्स नॉर्दर्न इंडिया टू हैव यूनिफॉर्मली हाई टेम्परेचर कंपेयर टू अदर एरिया टू द सेम लैटिट्यूड्स। और इसी की वजह से नॉर्दर्न इंडिया जो पार्ट है इंडिया का, उसके अंदर हाई टेम्परेचर रहता है कंपेयर टू अदर रीजन्स। सिमिलरली जो पेनिनसुला प्लेट्यू है वो किसके इन्फ्लुएंस में है, क्योंकि सी है चारों तरफ से पेनिनसुला, थ्री ओ साइड से सी से कवर्ड है पेनिनसुला प्लेट्यू। तो वहाँ पर मॉडरेट टेम्परेचर देखा गया है। डिस्पाइट सच मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंसेज देर आर ग्रेट वेरिएशन इन द टेम्परेचर कंडीशन। और इसके साथ साथ काफ़ी सारे टेम्परेचर वेरिएशन भी देखे गए अलग अलग पार्ट्स में। नेवर्थलेस द यूनिफाइंग इन्फ्लुएंस ऑफ द मानसून ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज क्वाइट परसेप्टिबल। और अगर हम बात करें इन्फ्लुएंस की मानसून के, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट भी काफ़ी ज़्यादा परसेप्टिबल देखा गया है। तो जो सीजनल अल्ट्रेशन है विंड सिस्टम का, वो किससे एसोसिएटेड है, वेदर कंडीशन से एसोसिएटेड है, जो कि क्या प्रोवाइड करता है, एक रिदमिक साइकिल प्रोवाइड करता है पूरे सीजन्स। Even the uncertainty of rain and uneven distribution are very much typical of the monsoons. Uneven distribution जो देखा गया है, और uneven हम बोल सकते हैं मानसून का distribution भी क्या है, uneven है। तो the Indian landscape, its animal and the plant life, its entire agriculture calendar and the life of the people, including their festivals, revolve around the phenomena. और ये सारी चीजें हम देखेंगे, चाहे प्लांट स्पीसीज हो, एनिमल स्पीसीज हो, एग्रीकल्चर का जो कैलेंडर बनाया जाता है और जो लोगों की लाइफ है, जितना भी जुड़ाव रहता है फेस्टिवल से, वो सारा का सारा सीजन वाइज फिनोमिना चलता रहता है। ईयर आफ्टर ईयर पीपल ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ईगरली अवेट द अराइवल ऑफ द मानसून। चाहे लोग हर साल किसका इंतजार करते हैं, चाहे साउथ से हो, चाहे ईस्ट से वेस्ट की तरफ हो, बहुत वेट करते हैं मानसून का। दीज मानसून विंड्स बाइंड द होल कंट्री बाय प्रोवाइडिंग वाटर टू सेट द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज इन मोशन। और ये मानसून विंड्स क्या करती है, अपने साथ काफ़ी सारा पानी लेकर आती है, जिससे कि कारण जितनी भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है वो आसानी से हो पाती है। तो रिवर वैली विच कैरीज दिस वाटर ऑल्सो यूनाइट एज अ सिंगल रिवर वैली यूनिट। और जो रिवर वैली है, जो ये पानी लेकर आती है, वो पूरी कंट्री को एज अ यूनाइट क्रिएट करती है और सिंगल रिवर वैली यूनिट में बनाती है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा चैप्टर ओवरऑल कंप्लीट होता है। जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस वाली वीडियोस नहीं देखी है वो पहले देख लें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट, जिन्होंने भी नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है वो प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी अपकमिंग सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।